हाय व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो में आप सभी का वेलकम। कंगना रनौत के मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जश्न मनाया जा रहा है और बॉलीवुड स्टार्स इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि देखने में ये आता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो छोटी छोटी बातों पर अपने एक्टर्स के साथ हमेशा खड़ी रही, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी वो कंगना रनौत के साथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया। जैसा कि ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी कंगना को पसंद नहीं करता, क्योंकि कंगना एक बेबाक एक्ट्रेस है और अपनी राय खुद रखती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इस बात की हैरत है कि जो सुशांत सिंह के मामले में अभी तक रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हैं, ये वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो 1993 में संजय दत्त के साथ खड़े थे और बॉम्बे बम ब्लास्ट में उन्होंने संजय दत्त का पूरा साथ दिया। आज अपनी ही एक्ट्रेस के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना पर खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे हैं। इस बीच कंगना ने अपनी इस खामोशी को तोड़ा और बॉलीवुड के इस बिहेवियर पर उन्होंने एक ट्वीट ली और उस पर लिखा कि डियर बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्या आप मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना पर खामोश हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक बात ये करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने देश के किसी सड़क पर या दुनिया के किसी कोने में निहत्ते हैं, तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप पर इसराइल हमला करे, क्योंकि आप उस वक्त खामोश होते हैं। आपकी खामोशी का मतलब ये है कि कोई भी आए और आपको अटैक कर सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जबान बनकर खड़ी हूँ। आप लोगों की जबान बनने के लिए मैं आगे आई और आपकी बातें आगे पहुँचाने के लिए मैं इस सीट तक पहुँची हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि आप लोग खामोश हैं। कल को ये दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है और कोई भी आप पर हमला कर सकता है। फिलहाल कंगना इस बात को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने इसके बाद अपना एक्शन लेने के लिए पूरी स्ट्रगल शुरू कर दी है। वेल दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग मैके स्टूडियो।